सो हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग देखने वाले पोर्टफोलियो मेजरमेंट। सो अभी तक हमने रिस्क कैसे फाइंड आउट करना है, रिटर्न कैसे फाइंड आउट करना है ये देखा है, और अभी हमें क्या करना है, रिटर्न तो फाइंड आउट करना ही है, प्लस उसको क्या देना है, अभी रैंकिंग देना है। पोर्टफोलियो को हमें क्या देना है, रैंक बेस देना है, रैंकिंग करना है, एंड देन उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, इवेल्यूएट हो जाएगा कि कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट है, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन टू, और वहां पे आपको क्या देना है, रैंकिंग देना है। चलो सो फॉर्मूला देखते हैं। सो रैंकिंग देने के लिए, रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए आपके पास थ्री फॉर्मूलेज है, दैट इज थ्री मेजर्स है, जिसके पॉइंट ऑफ जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पोर्टफोलियो को मेजर कर सकते हो। चलो सो फर्स्ट इज अ शार्प रेशियो, फर्स्ट इज अ शार्प रेशियो, दैट इज शार्प मेजर्स क्या फॉर्मूला है, सो आर माइनस आर एफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आर स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, आर एफ स्टैंड्स फॉर रिस्क फ्री रेट, ये हमने ऑलरेडी सी ए पी ए में देखा है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ही हमने ऑलरेडी रिस्क एंड रिटर्न में देखा है। ट्रेनर्स मेजर का फॉर्मूला क्या है, सो ट्रेनर्स मेजर का फॉर्मूला है आर माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा। सो यहाँ पे बीटा मार्केट रिस्क है, बीटा है रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एंड आर एफ। सो देखा जाए तो फॉर्मूला रिमेन सेम, सो शार्प एंड ट्रेनर्स का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि शार्प रेशियो डिवाइड किससे करेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से, एंड ट्रेनर्स मेजर किससे डिवाइड करेगा, बीटा से। बट जेनसन मेजर जो है, जेनसन मेजर का सेम फॉर्मूला जो हमने सी ए पी एम में यूज़ किया, वही फॉर्मूला यूज़ करके आपको क्या करना है, उसका पोर्टफोलियो मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे दो स्टेप से कैलकुलेशन किया जाएगा, मतलब क्या, अभी तक सी ए पी एम ने हमने देखा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न को एक्चुअल रिटर्न के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है, एंड देन उसको रैंकिंग आपको देना है। सो पोर्टफोलियो मेजरमेंट में मेन आपका पार्ट होगा, ईच एंड एवरी पोर्टफोलियो को आपको देना है रैंकिंग। अगर आपने रैंकिंग वहां पे नहीं किया तो मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। सो आपको वहां पे मेन पोर्टफोलियो मेजरमेंट का वही रोल है कि उसको क्या देना है, रैंकिंग देना है। मतलब क्या, सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो कौन सा है, जो आप बोलोगे कि ऑप्शन नंबर वन, ये इसमें आपने पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलो सो जेनसन मेजर, शार्प मेजर, ट्रेनर्स मेजर। शार्प मेजर्स का फॉर्मूला क्या है, आर माइनस आर एफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ट्रेनर्स मेजर्स का फॉर्मूला है आर माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा, एंड जेनसन मेजर्स का फॉर्मूला है आर एफ प्लस बीटा इन ब्रैकेट आर एम माइनस आर एफ। एक बार आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सी ए पी एम फाइंड आउट कर दिया, देन आपको क्या करना है, उसको कंपेयर करना है एक्चुअल रिटर्न के साथ, और फिर आपको क्या देना है वहाँ पे, रैंकिंग। चलो सो हम लोग यहाँ पे सम्स देखते हैं इसके, और ये सम्स और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए हर्ष ट्यूटोरियल्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो सो हम लोग आते हैं सम्स देखने के लिए। सो पोर्टफोलियो मेजरमेंट, सो क्वेश्चन नंबर वन, सो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग सम देखेंगे और सॉल्यूशन कैसे करना है, और इजी सम है ये, 8 मार्क्स के लिए आपको आ जाएगा। सो वहाँ पे 8 टू 7 मार्क्स का वेटेज है, इसको 15 मार्क्स का वेटेज नहीं है। सो 8 टू 7 मार्क्स के लिए सम्स आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉपरली 3 स्टेप्स में आपको आंसर फाइंड आउट करना है, दैट इज शार्प, ट्रेनर्स एंड जेनसन। चलो सो क्वेश्चन नंबर वन, द म्यूचुअल फंड्स हैव रिपोर्टेड द फॉलोइंग रेट्स ऑफ रिटर्न एंड रिस्क ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। सो ये 3 म्यूचुअल फंड है, दैट इज पोर्टफोलियो, स्पैरो लिमिटेड, हेरॉन लिमिटेड एंड वल्चर लिमिटेड, और उनका रिटर्न भी दिया है, दैट इज आर आपको सम में दिया है 14%, 12% एंड 11%। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है एंड बीटा भी आपको दिया है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 0.16, 0.15, 0.11 एंड बीटा आपको दिया है 1.10, 1.20 एंड 0.85। बोला है इवेल्यूएट द पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस यूजिंग शार्प मेजर्स एंड ट्रेनर्स मेजर्स, विच पोर्टफोलियो हैज़ परफॉर्म बेटर, एंड यहाँ पे आरएफ जो है वो क्या दिया है, 8% दिया है। चलो सो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सो यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन। सो फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे एज पर द शार्प्स मेजर। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा पोर्टफोलियो, और यहाँ पे आपका आ जाएगा रैंक, और यहाँ पे आपका आ जाएगा रिटर्न। चलो सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पोर्टफोलियो, उसके बाद शार्प मेजर्स का फॉर्मूला, दैट इज आर
माइनस आर एफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे आ जाएगा आपका रिटर्न एंड देन यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे और देन आपको यहाँ पे रैंक देना है। चलो, सो स्पैरो लिमिटेड, हेरॉन लिमिटेड एंड वल्चर लिमिटेड। सो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्पैरो लिमिटेड, देन हेरॉन लिमिटेड एंड वल्चर लिमिटेड। सो आर कितना दिया है, तो स्पैरो का दिया है 14 एंड आर एफ सबका क्या लेना है 8% लेना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 8 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.16। नेक्स्ट हेरॉन लिमिटेड, सो हेरॉन लिमिटेड का रिटर्न है 12%, आर एफ है 8% और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.15। सो 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 0.15। नेक्स्ट 11% है और आर एफ है 8%, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.11। सो यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 8 0.11। चलो, सो कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 8 डिवाइड बाय 0.16, ये आ रहा है 37.5। उसके बाद 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 0.15, ये आ रहा है 26.67 एंड देन 11 माइनस 8 डिवाइड बाय 0.11, ये आ जाएगा 27.27। चलो, सो रैंक कौन से बेसिस पे देना है, तो रैंक आपको देना है जिसका रेट ऑफ रिटर्न हाइयर है उसको पहले रैंक देना है, उसके बाद उसका रेट ऑफ रिटर्न जिसका लोअर होगा उसको रैंक 2 देना है, और सबसे कम जिसका रैंक होगा उसको क्या देना है, रैंक 3 देना है। सो यहाँ पे रैंक 1, उसके बाद रैंक 2 एंड रैंक 3, रैंक 1, रैंक 2 एंड रैंक 3। वैसे ही आप मार्केट इंडेक्स का भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको सम में मार्केट इंडेक्स दिया नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर मार्केट इंडेक्स के सम्स आ रहे तो यहाँ पे आप मार्केट इंडेक्स का भी कैलकुलेशन सेम एज इट इज कर सकते हो। सो मार्केट इंडेक्स का भी सेम आ जाएगा, जो मार्केट रिटर्न दिया जाएगा वहाँ पे आर एफ लेस हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या लेना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, चलो, सो फिलहाल हमें मार्केट इंडेक्स यहाँ पे नहीं दिया है, बट यहाँ पे आगे जो सम्स है उसमें दिया है, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट शार्प मेजर्स के बाद नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रेनर्स मेजर्स। सो ट्रेनर्स मेजर्स का भी ऐसे ही फॉर्मेट आएगा, पोर्टफोलियो यहाँ पे वर्किंग करेंगे, फिर रिटर्न मिलेगा एंड देन रैंक। चलो, सो ट्रेनर्स मेजर्स का फॉर्मूला क्या है, तो ट्रेनर्स मेजर्स का फॉर्मूला है आर माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिटर्न एंड देन यहाँ पे निकालना है आपको, यहाँ पे आपको देना है रैंक। चलो, सो थ्री पोर्टफोलियोज है, दैट इज स्पैरो लिमिटेड, हेरॉन लिमिटेड एंड वल्चर लिमिटेड। स्पैरो लिमिटेड, हेरॉन लिमिटेड एंड वल्चर लिमिटेड। चलो, सो आर माइनस आर एफ, सो यहाँ पे 14, 12 एंड 11 माइनस, आपको रिस्क फ्री रेट दिया है 8, यहाँ पे भी रिस्क फ्री रेट 8 है और यहाँ पे भी रेट 8 ही है। देन बीटा यहाँ पे डिफरेंट है, सो 1.10, 1.20 एंड 0.85। सो 1.10, 1.20 एंड 0.85। चलो, सो रिटर्न फाइंड आउट करते हैं। सो 14 माइनस 8 डिवाइड बाय 1.10, सो ये आ जाएगा 5.45
उसके बाद 12 - 8 / 1.20 यह आ जाएगा 3.33। देन 11 - 8 / 0.85 यह आ जाएगा 3.53। चलो सो अभी आपको क्या देना है, रैंकिंग देना है। सो रैंक फर्स्ट, अगेन जिसको हायर रिटर्न है उसको रैंक फर्स्ट देंगे हम लोग। सो रैंक वन जाएगा स्पैरो लिमिटेड को, बिकॉज 5.45 से कम वल्चर लिमिटेड का रिटर्न है, दैट इज़ सेकेंड रैंक जाएगा। एंड द लास्ट रैंक जाएगा ट्रेनर्स मेजर्स को, इतना ही हमें करना है। क्लियर, इतना ही हमें करना है। ओके चलो सो जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू के पास जाएंगे। द डिटेल्स ऑफ थ्री पोर्टफोलियोज आर गिवन बिलो, कंपेयर दिस पोर्टफोलियो ऑन परफॉर्मेंस यूजिंग शार्प एंड ट्रेनर्स मेजर। सो एंड पोर्टफोलियो 1, 2, 3 दिया है एंड मार्केट इंडेक्स भी दिया है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज यहाँ पे आपको आर दिया है 15%, 12%, 10% and 12%। स्टैंडर्ड एविएशन दिया है आपको 0.25, 0.3, 0.2 एंड 0.25, और आपको यहाँ पे दिया है बीटा। चलो सो रिस्क फ्री रेट है यहाँ पे दिया है आरएफ, और इस सब में अगर आपको जेनसन मेजर पूछा जाए, सो जेनसन मेजर का फॉर्मूला क्या है, आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ। सो यहाँ पे देखा जाए तो आरएम दिया नहीं है, बट यहाँ पे आरएम आपको दिया नहीं है ऐसे नहीं है, बट मार्केट इंडेक्स का जो रिटर्न होगा वही आपके लिए क्या बन जाएगा, आरएम। सो यहाँ पे अगर आरएम आपको यहाँ पे आप नहीं मिल रहा है तो आरएम क्या हो जाएगा, मार्केट इंडेक्स। तो ये आपको आरएम दिया है एवरेज रिटर्न, सो मार्केट रिटर्न जो होगा वही आपके लिए क्या बन जाएगा, आरएम। सो वो यूज़ करके आप जेनसन मेजर से भी कर सकते हो। चलो सो क्वेश्चन नंबर टू करेंगे, शार्प एंड ट्रेनर्स। सो सेम टेबल ड्रॉ करना है, सेम एज इट इज़ ही टेबल हमें ड्रॉ करना है। सो क्वेश्चन नंबर टू, और यहाँ पे मार्केट इंडेक्स दिया है तो मार्केट इंडेक्स भी हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। चलो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पोर्टफोलियो, उसके बाद यहाँ पे आप इवेल्युएशन करोगे फॉर्मूला बेस, देन रिटर्न आप फाइंड आउट करोगे, एंड देन उसको क्या करना है आपको, रैंक देना है। सो पोर्टफोलियो, सो फर्स्ट हम लोग देखने वाले शार्प मेजर्स, फर्स्ट हम लोग करने वाले शार्प मेजर्स। तो शार्प मेजर्स का फॉर्मूला है आर माइनस आर एफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिटर्न, और देन यहाँ पे आपको करना है रैंक। चलो सो पोर्टफोलियो आपको दिया है 1, 2, 3 एंड मार्केट इंडेक्स। सो यहाँ पे पोर्टफोलियो नंबर 1, पोर्टफोलियो नंबर 2, पोर्टफोलियो नंबर 3 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा मार्केट इंडेक्स। चलो सो कैलकुलेट करते हैं। सो रिटर्न कितना दिया है, तो पोर्टफोलियो वन का रिटर्न दिया है 15%, 12%, 10% एंड मार्केट रिटर्न इज 12%। सो 15, 12, 10 and 12। उसके बाद आरएफ कितना दिया है, तो आरएफ आपको लेना है 9%। सो आरएफ यहाँ पे हर जगह पे लोगे आप 9, 9 and 9 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एविएशन। सो स्टैंडर्ड एविएशन इज 0.25, 0.3, 0.2। सो 0.25, 0.3, 0.2 एंड 0.25। चलो सो हमें वैल्यूज मिल गए, अभी हम लोग निकालेंगे रिटर्न। सो 15 - 9 डिवाइड बाय 0.25, सो ये आ जाएगा 24%। देन 12 - 9 डिवाइड बाय 0.3, ये आ जाएगा 10%। देन 10 - 9 डिवाइड बाय 0.2, ये आ जाएगा 5%। देन 12 - 9 डिवाइड बाय 0.25, ये आ जाएगा 12। चलो अगेन
रैंक देते समय जिसका रिटर्न हाइयर है उसको फर्स्ट रैंक देंगे। सो रैंक वन जाएगा यहाँ पे पोर्टफोलियो नंबर वन, उससे कम छोटा कौन सा है, मार्केट इंडेक्स, रैंक नंबर टू, देन जाएगा सेकेंड मैंक रैंक नंबर थर्ड, एंड थर्ड पोर्टफोलियो को रैंक नंबर फोर्थ जाएगा बिकॉज उसका सबसे कम रिटर्न है। सो रैंक देना मत भूलना, ओके। सो शार्प होने के बाद सेम एज इट इज़ हमें क्या करना है, ट्रेनर्स मेजर्स से भी फॉर्मूला यूज़ करके परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करना है। सो ट्रेनर्स मेजर, चलो सेम फॉर्मेट आप ड्रॉ करोगे। यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न एंड देन उसको देना है रैंक। चलो पोर्टफोलियो नंबर वन, पोर्टफोलियो टू, पोर्टफोलियो थ्री एंड फिर आ जाएगा मार्केट इंडेक्स। चलो सो रिटर्न दिया है पोर्टफोलियो वन का 15, 12, 10 एंड 12। सो 15, 12, 10 एंड 12 माइनस आर एफ दिया है 9, सो 9 डिवाइड बाय बीटा। सो बीटा कितना दिया है, तो बीटा दिया है 1.25, 0.75, सो 1.25, 0.75, 1.1 एंड 1.2, 1.1 एंड 1.2। सो कैलकुलेट करते हैं, सो 15 माइनस 9 डिवाइड बाय 1.25, सो ये आ जाएगा 4.8%, देन 12 माइनस 9 डिवाइड बाय 0.75, ये आ जाएगा 4%, देन 10 माइनस 9 डिवाइड बाय 1.1, 10 माइनस 9 डिवाइड बाय 1.1 ये आ जाएगा 0.909, सो 0.91 आप कर सकते हो वहाँ पे, एंड द लास्ट 12 माइनस 9 डिवाइड बाय 1.2, सो ये आ जाएगा 2.5%। चलो सो हाइयर रैंक किसको देंगे, जिसका रेट ऑफ रिटर्न हाइयर है। सो फर्स्ट पोर्टफोलियो को जाएगा रैंक नंबर वन, उसके बाद सेकंड जाएगा, सेकंड पोर्टफोलियो को जाएगा रैंक नंबर टू बिकॉज 4.1 से कम 4% है, देन उससे कम मार्केट इंडेक्स है थर्ड, एंड लास्ट में जाएगा रैंक नंबर फोर, दैट इज थर्ड पोर्टफोलियो। ओके, इतना ही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना, डन। चलो नेक्स्ट सम, ओके। सो क्वेश्चन नंबर थ्री, द डिटेल्स ऑफ थ्री पोर्टफोलियोज आर गिवन बिलो, सो नोबिता, शिजुका, सुनियो एंड मार्केट इंडेक्स आपको यहाँ पे दिया है। सो रिटर्न दिया है 18%, 12%, 16% एंड 14%। बीटा आपको यहाँ पे दिया है 1.4, 0.9, 1.1 एंड 1.0। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 0.30, 0.35, 0.40 एंड 0.25। सो बोला है कंप्यूट दिस पोर्टफोलियो ऑन परफॉर्मेंस यूजिंग शार्प एंड ट्रेनर्स मेजर, और रिस्क फ्री रिटर्न दिया है आरएफ, दैट इज 8%। चलो सो हम लोग सेल्फ कैलकुलेट करते हैं। सो शार्प एंड ट्रेनर्स, सो क्वेश्चन नंबर थ्री चलो शार्प मेजर्स, तो शार्प मेजर्स का फॉर्मूला क्या है, तो शार्प मेजर्स का फॉर्मूला है आर माइनस आर एफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो पोर्टफोलियो नोबिता, शिजुका एंड सुनियो, यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न एंड देन आपको यहाँ पे देना है रैंक।
ओके सो पोर्टफोलियो है नोबिता, शिजुका, सुनियो एंड मार्केट इंडेक्स. सो यहाँ पे नोबिता, शिजुका, सुनियो एंड मार्केट इंडेक्स. सो रिटर्न कितना दिया है, तो नोबिता का रिटर्न दिया 18, शिजुका का 12 है, सुनियो का 16 है, मार्केट इंडेक्स इज 14. सो 18, 12, 16 एंड 14. सो 18, 12, 16 एंड 14 माइनस आरएफ. सो आरएफ कितना जाएगा, तो आरएफ जाएगा 8, आरएफ जाएगा 8% डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एविएशन. चलो सो स्टैंडर्ड एविएशन कितना है, 0.30, 0.35. सो 18 माइनस 8 डिवाइड बाय 0.30, सो ये आ जाएगा 33.33. देन 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 0.35, सो ये आ जाएगा 11.43. 16 माइनस 8 डिवाइड बाय 0.40, ये आ जाएगा 20%. एंड 14 माइनस 8 डिवाइड बाय 0.25, सो ये आ जाएगा 24%. चलो सो रैंक देंगे. सो रैंक फर्स्ट किसको जाएगा, जिसका हाइयर रेट ऑफ रिटर्न है. सो नोबिता को जाएगा रैंक नंबर 1, नोबिता के बाद जाएगा मार्केट इंडेक्स को रैंक नंबर 2, शिजुका को जा सॉरी सुनियो को जाएगा रैंक नंबर 3 एंड शिजुका को जाएगा रैंक नंबर 4. ओके चलो ऐसे ही आपको करना है ट्रेनर्स मेजर्स का, ऐसे ही आप करोगे ट्रेनर्स मेजर्स. चलो सो ट्रेनर्स मेजर्स का फॉर्मूला है आर माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा. सो यहाँ पे आ जाएगा पोर्टफोलियो देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिटर्न एंड फिर आपको देना है रैंक. ओके सो नोबिता, शिजुका, सुनियो, तो यहाँ पे आ जाएगा नोबिता, शिजुका, सुनियो एंड मार्केट इंडेक्स. सो 18, 12, 16 एंड 14. सो यहाँ पे आ जाएगा 18, 12, 16 एंड 14. चलो आरएफ उसमें से क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे. सो आरएफ है 8%, सो आरएफ इज 8% डिवाइड बाय, यहाँ पे लेते समय क्या लेना है, बीटा लेना है. सो बीटा इज 1.4, 0.9. सो 1.4, 0.9, 1.1 एंड 1.0. चलो निकालते हैं. सो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 8 डिवाइड बाय 1.4, सो ये आ जाएगा 7.14. देन 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 0.9, ये आ जाएगा 4.44. 16 माइनस 8 डिवाइड बाय 1.1, ये आ जाएगा 7.27. नेक्स्ट 14 माइनस 8 डिवाइड बाय 1, सो ये आ जाएगा 6%. चलो सो रैंकिंग करते हैं, तो रैंक फर्स्ट जाएगा सुनियो को बिकॉज इसका 7.27 है, देन जाएगा नोबिता को बिकॉज 7.14 है, उसके बाद मार्केट इंडेक्स रैंक नंबर 3 एंड लास्ट रैंक ये जाएगा शिजुका को रैंक नंबर 4. क्लियर. चलो जाएंगे नेक्स्ट सम के पास. चलो सो नेक्स्ट सम
सो द डिटेल्स ऑफ थ्री पोर्टफोलियोज आर गिवन बिलो. सो पद्मा, झरना, मीनाक्षी एंड मार्केट इंडेक्स दिया है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो दिया है, बीटा दिया है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है. सो वैसे ही हमें शार्प एंड ट्रेनर्स मेजर्स यूज करके हमें फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे जेंसन मेजर बोला नहीं है बट फिर भी हम लोग यहाँ पे करते हैं. सो एग्जाम में अगर आ रहा है तो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो. सो RF यहाँ पे दिया है. चलो सो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट लिखेंगे शार्प मेजर्स. फर्स्ट लिखेंगे शार्प मेजर्स. चलो सो पोर्टफोलियो, उसके बाद ओके, देन यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न एंड फिर आ जाएगा रैंक. तो शार्प मेजर्स का फॉर्मूला क्या है? तो शार्प मेजर्स का फॉर्मूला है R - RF डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एविएशन, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिटर्न एंड फिर आपको यहाँ पे करना है रैंक. सो यहाँ पे पोर्टफोलियो दिया है पद्मा, झरना, मीनाक्षी एंड मार्केट इंडेक्स. झरना, मीनाक्षी एंड मार्केट इंडेक्स. चलो सो R कितना दिया है? तो R आपको यहाँ पे दिया है 18, 12, 16 and 14. R आपको यहाँ पे दिया है 18, 12, 16 and 14. सो 18, 12, 16 and 14 माइनस RF. सो RF इज 8%. RF इज 8% डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एविएशन कितना दिया है? सो स्टैंडर्ड एविएशन दिया है 0.30, 0.35. सो 0.30, 0.35 देन 0.40 and 0.25. चलो सो रिटर्न हम लोग फाइंड आउट करते हैं. सो 18 - 8 डिवाइड बाय 0.30 या जाएगा 33.33. देन 12 - 8 डिवाइड बाय 0.35 या जाएगा 11.43. नेक्स्ट 16 - 8 डिवाइड बाय 0.40 या जाएगा 20. 14 - 8 डिवाइड बाय 0.25 आ जाएगा 24. चलो रैंक कौन से बेसिस पे देना है? जो फर्स्ट मुझे हाइयर रिटर्न दे रहा है उसको रैंक फर्स्ट जाएगा, देन उससे लोअर जो दे रहा है उसको रैंक 2 एंड उससे लोअर दे रहा है जो उसको जाएगा रैंक 2, 3 एंड लास्ट में जाएगा रैंक 4 झरना को. चलो शार्प हो गया. नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ट्रेनर्स मेजर. सो पोर्टफोलियो बीटा रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा एंड देन आपको देना है रैंक. ओके सो पद्मा, झरना, मीनाक्षी एंड मार्केट इंडेक्स. चलो सो रिटर्न कितना दिया है? तो रिटर्न दिया है 18, 12, 16, 14. सो यहाँ पे आ जाएगा 18, 12, 16 and 14 माइनस RF कितना है? सो RF है 8%. सो RF इज 8% डिवाइड बाय. सो यहाँ पे लेना है हमें बीटा. सो बीटा कितना दिया है? 1.4, 0.9, 1.4, 0.9, 1.1 and 1. चलो सो कैलकुलेट करते हैं. सो 18 - 8 डिवाइड बाय 1.4 सो ये आ जाएगा 7.14%. देन 12 - 8 डिवाइड बाय 0.9 ये आ जाएगा 4.44. देन 16 - 8 डिवाइड बाय 1.1 ये आ जाएगा 7.27 एंड देन 14 - 8 डिवाइड बाय 1 सो ये आ जाएगा 6. चलो सो रैंक देंगे. सो रैंक 1 जाएगा मीनाक्षी, रैंक 2 जाएगा पद्मा,
रैंक 3 जाएगा मार्केट इंडेक्स एंड रैंक 4 जाएगा झरना। चलो सो अभी हम लोग देखते हैं जेनसन मेजर। सो जेनसन मेजर का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला एज पर द CAPM। सो फॉर्मूला है RF प्लस बीटा RM माइनस RF, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। सो इसमें स्टेप नंबर 2 होते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप नंबर क्या है, तो पहले आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन आपको क्या करना है एक्चुअल रिटर्न के साथ एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या करना है कंपेयर करना है, और फिर आप उसके बेसिस के ऊपर रैंकिंग दे सकते हो। तो चलो पहले CAPM जेनसन मेजर यूज़ करके हम लोग फर्स्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करते हैं। सो पोर्टफोलियो एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो RF प्लस बीटा RM माइनस RF, और यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न। सो पद्मा झरना मीनाक्षी एंड मार्केट इंडेक्स। सो RF कितना दिया है, तो RF कॉमन है, सो RF इज़ 8%। सो 8 एंड 8 प्लस बीटा। सो बीटा कितना दिया है, तो बीटा दिया है 1.4, 0.9, 1.1 एंड 1। RM कितना दिया है, तो RM यहाँ पे कौन सा लेना है, मार्केट इंडेक्स का रिटर्न। सो मार्केट इंडेक्स का रिटर्न वही के रिटर्न ऑन मार्केट यही आपके लिए बन जाएगा RM, दैट इज़ 14। चलो सो यहाँ पे हम लोग लेंगे 14, RF है 8। ओके चलो सो देन रिटर्न फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा, सो ये आ रहा है 16.4, ये आ रहा है 13.4, देन ये आ रहा है 14.6 एंड ये आ रहा है 14। चलो सो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हमने फाइंड आउट कर दिया, अभी नेक्स्ट स्टेप है हमें रैंकिंग देना है। तो रैंक देने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न को कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग स्टेप नंबर 2 करेंगे, दैट इज एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड जो भी आंसर आएगा उसके बेसिस के ऊपर हमें क्या देना है, रैंक देना है। सो जो भी डिफरेंस आएगा चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देना है, रैंक देना है। चलो सो करेंगे स्टार्ट। सो आपको पोर्टफोलियो दिया है, सो फर्स्ट पोर्टफोलियो है पद्मा, नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो नंबर 2 झरना, देन है मीनाक्षी एंड उसके बाद है मार्केट इंडेक्स। सो एक्चुअल रिटर्न, सो एक्चुअल रिटर्न कौन सा यहाँ पे दिया है, 18, 12, 16 एंड 14%। सो 18%, 12%, 16% एंड 14% माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऊपर दिया है। सो यहाँ पे 16.4, नेक्स्ट क्या आया 13.4, 14.6, एक मिनट, 14.6 और यहाँ पे आ रहा है 14। चलो सो कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे 18 माइनस 16.4, सो ये आ रहा है 1.6, देन 12 माइनस 13.4 ये आ जाएगा नेगेटिव 1.4, देन 16 माइनस 14.6 ये आ जाएगा 1.4, नेक्स्ट 14 माइनस 14 ये आ जाएगा 0। चलो
सो अभी रैंक देते समय आपको क्या देखना है? सो रैंक देते समय आपको देखना है कि आपने कितना एक्सपेक्ट किया था और एक्चुअल में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसके कंपैरिजन से ही आपको रैंक देना है। सो यहाँ पे पद्मा स्टॉक आपने कितना एक्सपेक्ट किया था, 16.4 मिलेगा, बट एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 18, मतलब 1.6 से आपको हाइयर मिल रहा है। देन झरना के यहाँ पे क्या सोचा था आपने, 13.4 मिलना चाहिए, बट एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 12, दैट इज 1.4 से निगेटिव, मतलब कम मिल रहा है। मीनाक्षी 14.6 सोचा था आपने और एक्चुअल में कितना मिल रहा है, 16% मिल रहा है, मतलब 1.4 ज़्यादा आपको मिल रहा है और मार्केट में जितना आपने एक्सपेक्टेशन किया था उतना ही मिल रहा है, दैट इज़ ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, 14 मिल रहा है और 14 ही आपने एक्सपेक्ट किया था। सो यहाँ पे रैंक नंबर 1 उसको जाएगा जो हाइयर रिटर्न दे रहा है, रैंक नंबर 2 जाएगा मीनाक्षी लिमिटेड को, रैंक नंबर 3 जाएगा मार्केट को, बिकॉज जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ही एक्चुअल दे रहा है, कम भी नहीं दे रहा है, और ये क्या करके दे रहा है, लॉस करके दे रहा है, तो इसको जाएगा रैंक नंबर 4। क्लियर? सो जेनसन मेजर आ रहा है, तो इसी टाइप से आपको सम सॉल्व करना है, पहले आप निकालोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन उसका क्या करोगे आप, कंपेरिजन करोगे। क्लियर? चलो सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फिर, स्टॉप, ठीक है। सो एग्ज़ाम में प्रॉपर अटेम्प्ट कर देना, आपको थियोरी अटेम्प्ट करना है, देन प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है, तो मैक्सिमम स्कोर प्रैक्टिकल में आपका हो सकता है, सो प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करना। ऑल वीडियोस अपलोड कर दी है तो वो वीडियो चेक करना, ओके। एंड स्टडी मटेरियल जो है वो डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया जाएगा, सो वो आप वहाँ पे चेक करना, ओके। चलो, और अभी तक अगर आपने हर्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो जल्दी से जल्दी आप क्या करना, उसको सब्सक्राइब करना, सो दैट मोर अपडेट एंड मोर वीडियोज़ आप उस चैनल पर देख सकते हो, ओके। चलो,